वहीं प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबी के नाम उजागर किए गए हैं, इसमें कंपनी में निवेश करने वालों की सूचना है। साथ ही साथ ईडी के पास कई लोगों के लेनदेन की बात भी सामने आई है। जल्द ही इन सभी लोगों से भी ईडी पूछताछ करेगी, भी जानकारी मिल रही है। 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड पर मुख्तार अंसारी है। सिविल लाइन के ईडी कार्यालय में मुख्तार से पूछताछ की जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहाँ ईडी की पूछताछ जारी है मुख्तार अंसारी से। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच ऐसा जो मामला है वो सामने ये आया है, खबर ये सामने आई है कि मुख्तार अंसारी के करीबी के नाम भी इसमें उजागर किए गए हैं। कंपनी में निवेश करने वालों की सूचना ईडी के पास है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ कई लोगों के लेन देन की बात भी सामने आई है। जल्द ही इन सभी लोगों से ईडी पूछताछ करेगी। 10 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड पर मुख्तार अंसारी है। सिविल लाइन के ईडी कार्यालय में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, उसकी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी वो ये कि मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, और ऐसे में कई अहम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बिहाफ पर अब ईडी आगे की कार्रवाई भी करेगी। हालांकि 10 दिन के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड पर मुख्तार अंसारी है। सिविल लाइन के ईडी कार्यालय में अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ की जा रही है। तो माफिया मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ जारी, ये बड़ी जानकारी। मुख्तार अंसारी के करीबी के नाम भी इसमें उजागर, ये भी जानकारी मिल रही है। कंपनी में निवेश करने वालों की सूचना ईडी के पास है।